दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की टॉप अपडेट्स लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूँ। बताने वाला हूँ आपको टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स काफ़ी अंदर से आज हम लेके आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत आज हमारी लगी है। तो दोस्तों वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता ही है, साथ ही साथ अगर आप भी हो केकेआर के डाई हार्ट फैन तो अभी कर देना टीम केकेआर के लिए इस वीडियो को शेयर। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें सभी 8 आईपीएल फ्रेंचाइजी की तरफ से लगातार काफ़ी सारी अपडेट्स निकल के आ रही है, बट आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीम केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी मजेदार काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब यूएई पहुंच चुकी है, आप जानते हो क्वारंटाइन पीरियड वो अभी काट रही है, बट आप सभी को ये चीज मैं बता दूं कि यहां पर केकेआर एक्सपेक्ट कर रही है अभी 3 प्रैक्टिस मैचों का। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि क्या आप हमारे चैनल के साथ लाइव देखना चाहोगे प्रैक्टिस मैचेस और प्रैक्टिस कैंप की हाईलाइट्स। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है आंद्रे रसेल को लेकर। दोस्तों अब ये बात तो आप सभी एग्री करोगे कि यहां केकेआर पूरी जो है टीम वो सिर्फ और सिर्फ आंद्रे रसेल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। पिछले साल आपने देखा अगर आंद्रे रसेल नहीं चले तो काफी ज्यादा फैंस के अंदर गिरावट भी आई थी, बट आंद्रे रसेल इस साल अभी फॉर्म के अंदर है और अभी वो खेल रहे हैं सीपीएल। दोस्तों यहां आंद्रे रसेल का फॉर्म डिसाइड कर सकता है जिस भी टीम के अंदर वो है उसका जीतना और हारना। जहां आप सभी को बता दें यहां दोस्तों सीपीएल के अंदर अभी वो खेल रहे हैं जिसके अंदर उनका फॉर्म अभी सही चल रहा है, धीरे धीरे वो और अच्छे फॉर्म के अंदर आ जाएंगे और एक अच्छी प्रैक्टिस इनको यहां केकेआर के लिए फेज 2 के लिए मिल जाएगी यूएई के अंदर, जो कि सीपीएल इनको दे देगा। इनके मैचेस के एक्सपीरियंस वैसे एक्सपीरियंस इनको काफी ज्यादा है, बट दोस्तों फ्रेश लेग्स के साथ ये आएंगे मैचेस खेलते हुए आएंगे और अगर अच्छे फॉर्म के साथ केकेआर की टीम में एंटर करते हैं तो उस अच्छे फॉर्म का फायदा टीम केकेआर को होगा और पूरी टीम केकेआर को अगर फायदा मिलता है तो दोस्तों देख कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो जैसे ही आंद्रे रसेल फॉर्म के अंदर आएंगे तो यहां दोस्तों बाकी खिलाड़ी भी फॉर्म के अंदर आ जाएंगे और फिर केकेआर को फेज 2 के अंदर ऊपर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना आंद्रे रसेल की सही बैटिंग पोजीशन टीम केकेआर के अंदर फेज 2 में कौन सी होनी चाहिए। दूसरी अपडेट आ रही है ओपनर्स को लेकर। दोस्तों रिसेंटली एक न्यूज बहुत ही इनसाइड सोर्सेज से हमारे हाथों लगी है और दोस्तों इस इनसाइड सोर्सेज के थ्रू यहां हमें पता लगा है कि इस साल केकेआर प्लान कर रहा है न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी खिलाने के। दोस्तों अब केकेआर के पास न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी हो गए हैं, टिम साउथी, टिम सैफर्ट और यहां पर लॉकी फर्गसन। पैट कमिंस नहीं है, तो दोस्तों टिम साउथी और टिम सैफर्ट पैट कमिंस नहीं है तो दोस्तों जाहिर सी बात है लॉकी फर्गसन या फिर टिम साउथी जरूर खेलेंगे। बट दोस्तों जो न्यूज़ आई है वो ये है कि इन दो जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं इनमें से केवल एक ही पेसर खेलेगा, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि टिम सैफर्ट डेब्यू कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेज है और काफ़ी ज़्यादा रूमर्स भी आ रहे हैं। दोस्तों अब सीपीएल के अंदर टिम सैफर्ट का फॉर्म पूरी तरह से डिसाइड करेगा कि उनको ओपनिंग के अंदर यहाँ डेब्यू मिलेगा या फिर नहीं। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना क्या टिम सैफर्ट से ओपनिंग करानी चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों ये थी टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।